छब्बीस तारीख को मनीष कश्यप को लाया जा रहा है मदुरई से बिहार जिसमें तमिलनाडु से स्टालिन आएंगे सरकार एक बार नहीं हजार बार सरकारें तुम्हारी गिरेंगी कि अगर हमारा मनीष कश्यप तमिलनाडु में है तो गो बैक स्टालिन तुम भी वापस जाओ मनीष कश्यप ने किया क्या मनीष कश्यप ने कि दो राज्यों में लड़वाया अरे कहा लड़ाई हुई वीडियो बनवाने का आरोप कहा लड़ाई हुई आरोप हुई नहीं लड़ाई हुई नहीं लड़ाई हुई नहीं अगर लड़ाई होती तमिलनाडु बिहार में तो क्या स्टालिन क्या आते क्या पटना 26 तारीख के लिए बिहार पुलिस ने बहुत अच्छी पुलिस व्यवस्था कर रखी है उसको पेश कराने के लिए 600 से 700 पुलिस कर्मी लगाए गए हैं मनीष कश्यप के लिए 26 तारीख को पेशी करने के लिए आप समझिए तो अरे साहब आपकी मजबूरियां रही होंगी आपको डर लगता होगा कि 2024 के चुनाव में या बिहार के चुनाव में मनीष कश्यप पता नहीं क्या उठक पटक कर देगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शर्मिंदा हो जाएंगे कि हमने क्या बना दिया जो हमारे देश में एनएसए का दुरुपयोग मैं समझता हूं कुछ ना कुछ मजबूरियां आपकी रही होंगी इसलिए आप बेवफा हुए हैं लेकिन ऐसी भी मजबूरी मत करो कि लोग आप पर शर्मिंदा हो जाएं मनीष कश्यप मोम का बना हुआ नहीं है जो तो पिघल जाए इस देश के सैनिक का बेटा है नमस्कार दोस्तों बहुत स्वागत है आपका एच न्यूज में मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक मनीष कश्यप फिलहाल अभी तमिलनाडु जेल में हैं, लेकिन आपको बता दें कि पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप ट्रेंड कर रहे हैं वजह आपको बता दें कि दिल्ली में विपक्षी दलों का बैठक हो रहा है जहां पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी आने वाले हैं लेकिन सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के साथ साथ गो बैक भी ट्रेंड कर रहा है तमाम मुद्दों पर जानेंगे आखिर क्या है कि को और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जाने माने चेहरा जिनको लाखों लोग सुनते हैं डॉक्टर स्टालिन है। ट्रेंड कराया जा रहा है उसी दिन उसी के साथ मनीष कश्यप को ट्रेंड कराया जा रहा है क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आखिर क्या वजह नहीं हो रहा है एक्चुअली मनीष कश्यप बिहार की आवाज हर गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम की आवाज अब कोई इंसिडेंट क्या हुआ छब्बीस जून को मनीष कश्यप की रूटीन पेशी है क्योंकि कुछ केस पहले के थे उस पर यहाँ इसी तरह के झूठे लगाए गए कुछ केस ये हिंदी भाषी मूवमेंट जब हुई हिंदी भाषी लोगों के साथ मजदूरों के साथ प्रवासी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में जो घटना हुई उसको लेके लगाए गए यहाँ से ट्रांजिश रिमांड पर तमिलनाडु मदुरई ले जाया गया वहाँ उस पर एन लगा दी गई मनीष कश्यप पर जिसकी वजह से इतने दिनों से वहाँ जेल में था अब यहाँ भी जेल में है तो ट्रायल का टाइम स्टार्ट हो गया कोर्ट स्टार्ट हो गई साठ दिन और नब्बे दिन का टाइम होता है चार्जशीट फाइल होने का तो वो चार्जशीट फाइल हो गई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई कई केसों में तो उसमें यहाँ की कोर्ट में पेशी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी होगी तो उसके लिए अब दूसरी क्या बड़ी घटना हो गई दो का चुनाव आने वाला है तेईस जून की जो कल की बात है तेईस जून को देश के सभी विपक्षी दल मुख्य विपक्षी दल जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं वो एक होने की बात करने लग गए अब पटना में उनका बड़ा बैठक है बड़ी बैठक है बड़ा सम्मेलन है जिसमें तमिलनाडु से स्टालिन आएंगे क्योंकि आज एम के करुणानिधि जी जो कि तमिलनाडु की राजनीति के बहुत पुरोधा रहे हैं और उनकी बटवृक्ष है उनके ही वृक्ष की ट है जयललिता जी स्टालिन जी और सब जो भी रहे तो वहां चला आज उनकी पुण्यतिथि थी, थी अब कल की ये बैठक है तो ऐसे में स्टालिन जी आ रहे पटना ममता दीदी भी पहुंच सकती हैं, शिवसेना के भी नेता पहुंच सकते हैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी पहुंच सकते हैं चौबीस के लिए काम करना है अब मोदी जी तो यूएसए में है वाशिंगटन में है न्यू में है वहां देश का नाम रोशन कर रहे हैं भव्य स्वागत हो रहा है वहाँ पूरी दुनिया के लोग मोदी 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 जी कर रहे हैं वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जो पावरफुल है वो अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मोदी जी पावरफुल है या अमेरिका पावरफुल है जो बाइडन पावरफुल है दुनिया का या मोदी जी पावरफुल है अब ये वहां डिसाइड हो रहा है तो कह रहे हैं दोनों बहुत बड़े पावरफुल है वो उनको कह रहे हैं आप बहुत पावरफुल है मोदी जी कह रहे हैं नहीं आप बहुत पावरफुल है वो समय बदल गया जब मोदी जी का वीजा नहीं दिया जाता था अमेरिका में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में तब ये कोई भी पक्षी इकट्ठे नहीं हुए अगर तब बैठक कर लेते कि मोदी जी हमारे देश के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इनको वीजा क्यों नहीं दिया जा रहा है लेकिन अब इकट्ठे हो रहे हैं जब मोदी जी घूम रहे हैं अमेरिका मनीष कश्यप का मामला मनीष कश्यप का ही तो यहाँ आ गया यही तो बहुत दुख की बात हो गई छब्बीस तारीख को मनीष कश्यप को लाया जा रहा है मदुरई से बिहार और उससे पहले तेईस तारीख को कल आ रहे स्टॉलिन जी जिनकी सरकार ने मनीष का पर लगाया एनएसए राजनीति से प्रेरित बिल्कुल राजनीति से प्रेरित एक निष्पक्ष निर्भीक निडर पत्रकार पर आप एन एस लगा दें वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कैसे खतरा पैदा हो गया ये विषय है क्या उसके आतंकवादी संगठनों से संबंध थे अस्थायी रूप से बिहार आ रहे मनीष कश्यप स्थाई रूप से अभी लीगल प्रोसेस है, स्थाई रूप से अंडर ट्रायल प्रिजनर यूटीपी हैं, अभी उनके केसों का ट्रायल चल रहा है तो स्थायी रूप से नहीं यहां भी रहेंगे वहां की जेल में भी रहेंगे दोनों जगह ट्रायल होना है दोनों जगह पहुंचेंगे वहां बड़ा केस है है, तो उस पर बात होगी अब बिहार के लोगों को क्या सूझा कि अगर हमारा मनीष का सब तमिलनाडु में है तो गो बैक स्टालिन तुम भी वापस जाओ तुम्हें भी हम नहीं स्वीकार तो करें सब कानूनी कार्रवाई है तो सब उसमें कोर्ट काम करेगा उसमें न्यायालय काम करेगा उसमें स्टालिन कहा से आ गए कानून अपना तरीके से काम करेगा स्टालिन जी मुख्यमंत्री हैं स्टालिन जी राजनीति से प्रेरित मुकदमा है इसीलिए स्टालिन जी आ गए मैं इसमें क्या कह रहा हूं मैं भी आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ राजनीति कह रहा हूं कैसे राजनीति से मैं ये कह रहा हूं कि बिहार के लोग तो संस्कारी हैं बिहार के लोग तो पूर्वांचलवासी हैं बिहार के लोग तो बहुत प्यार करते हैं अब वो क्या चाहते हैं कि स्टालिन वापस जाएं, अगर मेरे मनीष कश्यप नहीं मैं क्या कह रहा हूं कि स्टालिन का स्वागत करो वेलकम स्टालिन लेकिन वेयर माई मनीष कश्यप मनीष कहाँ है हमारा वेयर माई मनीष ये पूछो उनसे ये ज्यादा अच्छा रहेगा ये अच्छी बात होगी लेकिन तेईस तारीख कल होगा सम्मेलन होगा विपक्षियों का वहाँ ये बात उठेगी 26 तारीख के लिए बिहार पुलिस ने बहुत अच्छी पुलिस व्यवस्था कर रखी है उसको पेश कराने के लिए 600 से 700 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं मनीष कश्यप के, के लिए 26 तारीख को पेशी करने के लिए आप समझिए तो मनीष कश्यप ने किया क्या मनीष कश्यप ने दो राज्यों में लड़वाया अरे कहा लड़ाई हुई वीडियो बनवाने का आरोप कहा लड़ाई हुई आरोप नहीं लड़ाई हुई नहीं लड़ाई हुई नहीं जन्मदिन मना जन्मदिन मना आज करुणानिधि जी का बरसी मनाई गई शताब्दी मनाई गई आंदोलन थोड़ी हुआ वहां तो प्यार हुआ केक कटा दावत हुई पार्टी हुई डिनर हुआ लंच हुआ कहां लड़ाई हुई अगर लड़ाई होती तमिलनाडु बिहार में तो क्या स्टालिन क्या आते क्या पटना क्या नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव चेन्नई जाते क्या क्या तमिलनाडु जाते क्या इनवाइट करने क्या दुश्मन को कोई इनवाइट करता है चौबीस तो की तैयारी नहीं हुई ना अरे तो चौबीस की यही आपके सवाल में ही जवाब है उस चौबीस की तैयारी के चक्कर में मनीष कश्यप को किस लिए बलि का बकरा बना दिया तुम तो मिल रहे हो साहब तुम तो कल पार्टी करोगे तुम तो कल लिट्टी चोखा खाओगे तुम तो कल दावत करोगे तुम तो गलविया डालोगे तुम्हारा तो स्वागत एयरपोर्ट से होगा तुम्हारी तो गाड़िया दौड़ेंगी फूल मालाओं से लदी हुई और मनीष का शब्द जिसने हिंदी की बात की प्रवासी की बात की मजदूर की बात की जिसने इस देश के मजदूरों दलितों शोषितों, पीड़ितों जो प्रवासी हैं जो हिंदी भाषी हैं जो बिहार के हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं जो झारखंड के हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके साथ जो अन्याय होता है उसकी लड़ाई लड़ने का काम पूरे देश में किया है उसकी सजा उसे क्यों दे रहे हो उसकी सजा उसे क्यों मिल रही है उसने तो भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे नहीं कहा क्या क्या कभी उसने भारत माता तेरे टुकड़े, टुकड़े बोला क्या नहीं बोला वो तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका न्याय का नारा लगवाता रहा कि बिहारी मजदूरों के साथ भी न्याय करो उनको घर की दृष्टि मत देखो वो तुम्हारे देश का निर्माण कर रहे हैं तुम्हारे प्रदेशों का निर्माण कर रहे हैं तुम्हारे भवनों का निर्माण कर रहे हैं तुम्हारे यहां मेहनत मजदूरी करके कमा रहे हैं सख्त के साथ हैं मजदूर हैं तो वकील समझेंगे मनीष तमिलनाडु से छब्बीस जून को पटना आएंगे तो छब्बीस जून को मनीष कश्यप मामले में क्या होगा छब्बीस जून को पेशी होगी जो चार्जशीट फाइल की है उसकी कॉपी सप्लाई कर दी गई है वो कॉपी मिलेंगी उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग होगी सब केसों में चार्जशीट फाइल होगी सब केसों में आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी सब केसों में आगे पेशी होगी मनीष का सब भगोड़ा नहीं है ना सरेंडर हुआ था अपने आप पेश हुआ था कहीं से पकड़ा गया भागता हुआ एयरपोर्ट गाड़ी के नीचे मेज़ के नीचे बेड के नीचे अलमारी के नीचे भेष बदले दाढ़ी रखे मुड़वाए पगड़ी बांधे कहीं कुछ मिला क्या वो तो सीधा सीधा पेश हो गया तो उसके ऊपर ऐसी धाराएं लगा दी गई तो मैं बोल रहा हूँ कि पुलिस का काम है इसमें गोबैक स्टालिन का कहा मुद्दा आ जाता है इसमें आप राजनीति कहाँ से करने लगे साहब आप हमारे बंदे को ले जाओ ट्रांजिस्ट रिमांड पे ट्रांजिस्ट रिमांड पे ले गए कि हम पूछताछ करेंगे और वहां जाके लगा दो एनएसए और हम आपका स्वागत करें हम कहें वेलकम स्टॉलिन ये नहीं चलेगा साहब मीठा मीठा गप गप कड़ुआ कड़ुआ तू तू नहीं चलेगा अरे साहब आपकी मजबूरियां रही होंगी आपको डर लगता होगा कि 2024 के चुनाव में या बिहार के चुनाव में मनीष कश्यप पता नहीं क्या उठक पटक कर देगा लेकिन देश की जनता जानती है कि अगर आप किसी निष्पक्ष निर्भीक निडर पत्रकार पर अपनी तलवार चलाएंगे और वो तलवार शासन की होगी वो तलवार चुनी हुई सरकार की होगी वो तलवार लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार की होगी तो भारत का संविधान डॉ भीमराव अंबेडकर शर्मिंदा हो जाएंगे कि हमने क्या बना दिया जो हमारे देश में एन एस सी का दुर्पियों पत्रकार है। बोलता है कि एक दिन हम सरकार गिरा देंगे क्या ये कहना ये कहने का मतलब एनएसए हो गया नहीं से मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन कौन पत्र, पत्रकार के दायरे क्या यह कहने का मतलब एन है अगर गलत काम करोगे अगर लोगों के गरीबों दलितों शोषितों पीड़ितों मजदूरों की बात नहीं करोगे अगर प्रवासी मजदूरों की बात नहीं करोगे अगर हिंदी भाषी लोगों की बात नहीं करोगे सरकार एक बार नहीं हजार बार सरकारें तुम्हारी गिरेंगी तुम बार बार गनाओगे तुम्हारी सरकारें गिरती जाएंगी इस देश में हिंदी भाषी चलेगा इस देश में मजदूर का शासन चलेगा इस देश में दलित गरीब शोषित पीड़ित मजदूर का राज्य चलेगा और जो सत्ता पर राज करेगा वो देश की बात करेगा वो देश हित की बात करेगा आप ऐसे दादागिरी आधार पर एन एस ए लगा दे एन एस ए लगा लगा के चला दे ये नहीं चलेगा साहब जनता सब समझती है जनता सब कुछ जानती है अब जनता उतनी बेवकूफ नहीं रही है इस देश में चार मजबूत पिलर हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका और मीडिया चौथा स्तंभ है क्या मनीष कश्यप पर कार्यपालिका ने काम ढंग से किया नो no! विधायिका ने काम किया नो no! नए पालिका ने काम किया नो पत्रकारिता मीडिया ने काम किया नहीं उन्होंने भी अपनी पत्रकार धर्म को नहीं निभा पाए मैं समझता हूं कुछ ना कुछ मजबूरियां आपकी रही होंगी इसलिए आप बेवफा हुए हैं लेकिन ऐसी भी मजबूरी मत करो कि लोग आप पर शर्मिंदा हो जाएं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद रोशन सिंह अशफाक उल्ला खां जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था आज शर्मिंदा होंगे आज दुखी होंगे कि हमने जिस देश को आजादी दिलाने में और आजादी के पचहत्तर साल बाद मनीष कश्यप जैसे निष्पक्ष निर्भीक और निडर पत्रकार जेल में रखे जा रहे हैं एन लगाई जा रही है रासुका लगाई जा रही है क्या यही हमारा भारत का संविधान कहता है गांधी जी गांधी तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तो मनीष कश्यप को झूठे केसों में रखने वाले सत्ता में बैठे हुए लोग हैं अच्छा चार महीने हो गए हैं मार्च में मनीष कश्यप ने सरेंडर किया आज जून अंतिम है 26 जून को पटना आएंगे मनीष कश्यप राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है या नहीं साहब मनीष कश्यप मोम का बना हुआ नहीं है जो तो पिघल जाए इस देश के सैनिक का बेटा है गरीबी से ऊपर उठकर आया है जो लोगों को दिख रहा है ना चालीस लाख रुपया उसके अकाउंट में वो उसकी मेहनत की खून पसीने की कमाई है ये लोगों की एकता ये लोगों का मनीष कश्यप के लिए समर्पण ये त्याग ये प्यार कभी बेकार नहीं जाएगा कभी जाया नहीं जाता है लोग दिल से मनीष कश्यप को चाहते हैं और ये दिखेगा भी और ये पता भी चलेगा बहुत धन्यवाद दिया